जय श्री राधे। पारिवारिक झंझटों से मन कभी कभी खिन्न हो जाता है, ठीक है, अभी ऐसा हो सकता है, किंतु आप बिल्कुल घबराएं नहीं। भगवान की जिस कृपा से आप में भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हुई है, उस कृपा से ही एक दिन वासुदेव सर्वमिति के रूप में जगत दिख सकता है। उस दिन यह झंझट नहीं रहेगा, आनंद का स्तोत्र बह जाएगा। निर्भय होकर आगे बढ़ते जाइए, भगवान आपके साथ हैं। घबराइए मत, जो हो रहा है मंगल के लिए हो रहा है। एक बार भी अपने को प्रभु के ऊपर छोड़ देने पर भगवान फिर उसे नहीं छोड़ते। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, सेवक तो ऐसा हो कि मालिक को छोड़े नहीं, और मालिक ऐसा हो कि सेवक के छोड़ देने पर उसकी शिखा पकड़कर उसे ले आए। आजकल के सेवक भगवान को बारंबार पकड़ते हैं और छोड़ते हैं, पर भगवान का कायदा वही है कि न में भक्त प्रनिष्यति। खूब आनंद से जीवन बिताइए, दुख से भरी हुई परिस्थितियों का भगवान का विशेष पुरस्कार समझकर उनका स्वागत कीजिए। प्रारब्ध का फल तो होकर ही रहेगा, टाला नहीं जा सकता। भगवान की बात दूसरी है, वे सर्व समर्थ हैं, चाहे जो कर सकते हैं, किंतु नश्वर शरीर के लिए भगवान को कहना अल्पज्ञता है। दुख के समय मनुष्य प्राय चंचल हो जाया करता है, उस समय वह भक्ति के सुंदर भावों को पल्लवित करने में कठिनाई का अनुभव करता है, परंतु बुद्धिमानी इसी में है कि कठिन विपत्ति के अवसर पर भी भगवान का सहारा छोड़कर मनुष्य किसी दूसरी ओर न दौड़े। भगवान के सिवा मनुष्य यदि किसी भी दूसरे की शरण लेता है तो समझना चाहिए कि भगवान पर उसकी श्रद्धा नहीं है। वास्तव में आवश्यकता है शास्त्र पर और महापुरुषों के वचनों पर श्रद्धा करने की, फिर कोई कार्य शेष रहता नहीं। साधन तो अपने आप होने लग जाता है, सारी त्रुटि भगवान की कृपा से दूर हो सकती है। उनकी कृपा भी सब पर है, केवल उस कृपा का ही आश्रय करके हम आगे बढ़ चलें, अंधकार अवश्य दूर होगा। जय जय राधे। जय श्री राधे।